हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं वीडियो उस टाइम के लिए हमारा अभिवादन स्वीकार करें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो क्लॉक के ट्रिक पर देखा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम। हितेश सर, क्योंकि सारे वीडियो के लिंक और PDF आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है डियर? और देखिए, कोटेशन बहुत ही प्यारा है कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और जल्दी सोचें, ताकि आप लक्ष्य पता कर पाएं, जल्दी से वहां पहुंच पाएं। तो वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो एकदम आसान पूछी जाती हैं, और हमें तीन अलग अलग चीजें दी जाती हैं, उसके बीच रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। तो जो रिलेशनशिप एक्चुअल दिया जाता है उसके ऊपर ही हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे और वो रिलेशन बताएंगे कि क्या क्या जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। जो पहला टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको क्या पूछा जाता है, सभी जो मतलब चीजें हैं यहाँ पर दी हुई वो अलग अलग ग्रुप के हैं। जैसे आप देख रहे हो आदमी, कुर्सी और कौवा, आपस में कोई संबंध नहीं है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जिसका आपस में कोई संबंध नहीं है उसका डायग्राम ऐसा होता है। आपस में इसका कोई संबंध नहीं है, आदमी का कुर्सी से, कुर्सी का कौवा से, ठीक है। दूसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि पहला जो शब्द है वो दूसरे से संबंधित होगा और दूसरा जो शब्द है वो तीसरे से संबंधित होगा। कैसे? जैसे आप देख रहे हो कि इंडिया जो गेट है, इंडिया गेट वो कहां है, दिल्ली में, और दिल्ली कहां है, भारत में। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा है कि नहीं। मान लीजिए हमें ऐसा दे दिया जाए कि 1, 10, 100, तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 1 जो है वो 10 के अंदर आता है और 10 जो है 100 के अंदर आता है। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान है, चीजें एकदम क्लियर है। तीसरा टाइप का जो प्रश्न हमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यदि दो अलग अलग आइटम, यदि दो अलग अलग आइटम पूरी तरह से तीसरे से संबंधित हो, यदि दो अलग अलग आइटम पूरी तरह से तीसरे से संबंधित हो। कैसे? भालू, शेर और जानवर। भालू और शेर दोनों ही जानवर हैं और ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है, लेकिन एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो जानवर है। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। तो इस टाइप का प्रश्न। या हमें दे दिया जाए कलम, कॉपी और स्टेशनरी, और स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के अंदर हमें कलम भी मिलता है, कॉपी भी मिलता है ना। तो यहां पर आपस में संबंध इनका नहीं है, पर ये दोनों एक जगह पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इस टाइप का प्रश्न बच्चे जनरली फंसते हैं यहां पे, और इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या यदि दो वस्तुओं के बीच थोड़ा सा संबंध हो और ये दोनों ही पूरे तरह से तीसरे पर डिपेंड हो। तो यहां पर जैसे आप इसका आंसर देखेंगे तो डी में जाएगा। बोलो क्यों, क्यों, रीजन क्या है सर? तो यहां देखो, एक ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जंगल है और कुछ जंगल पहाड़ों पर भी होता है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, वो डी वाले के साथ। क्यों? क्योंकि उसको वो बिलोंग कर रहा है, इसीलिए उसके साथ चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यहां पर अगर हम देखें दो आइटम किसी हद तक तीसरे से संबंधित है लेकिन पूरी तरह से नहीं, दो आइटम किसी हद तक तीसरे से संबंधित है लेकिन पूरी तरह से नहीं, और पहले दो आइटम पूरी तरह से अलग हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, पीला जानवर और फल, तो दो आइटम किसी तरह से तीसरे पर संबंधित हैं लेकिन पहला और तीसरा का आपस में संबंध नहीं है। ये है मान लो येलो, है ना, ये है एनिमल और ये है फ्रूट। तो फ्रूट भी येलो होता है, एनिमल भी येलो होता है। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, बी के साथ, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि भाई एक आइटम का संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे है, पर पहला तीसरा आपस में संबंधित नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस टाइप का प्रश्न जनरली आपको खूब देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वो ये है कि गर्ल सिंगर और एथलीट। यहां देखो, एक लड़की सिंगर भी हो सकती है, एथलीट भी हो सकती है, या एक एथलीट सिंगर भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है। तो यहां पर जो है हम क्या देख पा रहे हैं, इस टाइप का जो प्रश्न है वो किसके साथ जाता है, बी के साथ। या आपको बोल दिया भाई कि एक्टर,
डायरेक्टर, ठीक है, और प्रोड्यूसर। तो एक आदमी एक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है ना। तो वो भी आंसर किसके साथ चला गया, बी के साथ। जैसे आप फरहान अख्तर को देखो, वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सिंगर भी है, लिखते भी हैं, तो कहने का मतलब मल्टी टैलेंटेड है ना। चलिए अगले में अगर हम देखें, जैसे लायंस कार्निवोरस और गाय, लायंस कार्निवोरस और गाय, शेर कार्निवोरस और गाय, तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, इसका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो आंसर है वो डी के साथ जाना चाहिए। बोलो क्यों? तो यहां देखो, लायन जो है वो कार्निवोरस के अंदर आ गया, गाय जो है वो बिल्कुल अलग है। लायंस कार्निवोरस के अंदर आ गया, गाय बिल्कुल अलग है। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे बनाएंगे जब दो आइटम आपस में संबंधित, तीसरा बिल्कुल अलग। यहां पर अगर हम देखें, मनुष्य मांस खाने वाला और गाय, मनुष्य मांस खाने वाला और गाय, तो देखो मनुष्य जो है, कुछ मनुष्य मांस खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, मनुष्य मांस खाने वाले इस तरह से, और गाय बिल्कुल अलग हो गया। तो यहां पर ह्यूमंस फ्लैसिटस और कॉ, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस तरह का संबंध। तो पहला आइटम आंशिक रूप से दूसरे से संबंधित है, लेकिन तीसरा बिल्कुल अलग है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया, डी जो है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें देख रहे हो आप, एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं इसको कि हुआ कैसे। ये सब देख रहे हैं आप, इस तरह से हुआ है, ये पूरा रिवाइज आप कर लेंगे, ठीक है डियर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी ट्रिक आए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। SSC का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, आप कभी भी जुड़ सकते हैं हितेश YT के साथ, और ये सारा फायदा आपको मिलेगा अगर आप हितेश 10 या हितेश YT लगाते हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। टेलीग्राम हमारा जो है रीजनिंग बाय हितेश सर, जरूर जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा वहां पर चीजें प्राप्त करें, हमारे आपके बीच कनेक्टिविटी वहां पर बनेगी। ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह से आप हमारे क्लास को अनअकैडमी पर पा सकते हैं, चाहे हितेश 10 या हितेश YT के साथ 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है डियर। और रोज अनअकैडमी पर सुबह 8 से 9 और 12 से 1 हमारा स्पेशल सेशन होता है, इसके लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लें, ओके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और